2019 का मॉडल है, एटिका अर्बन रेड का। ये फुल ट्रांसफॉर्म होने के लिए हमारे पास कार आई है और फर्स्ट टाइम आज मैं बिफोर का आप लोगों को वीडियो बताऊंगा और विगाटो में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होती है आप लोगों के सामने। फ्रंट आप लोगों के सामने, फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार आप लोगों के सामने है, रियर में भी स्पॉइलर लगा हुआ है इनका, एक डिफ्यूजर्स लगा हुआ है रियर प्रोफाइल। अब बताइए दोस्तों, कौन बोलेगा इसे 3 साल पहले का मॉडल है, हो ही नहीं सकता है। स्टनिंग इंडोनेशियन स्पॉइलर हमने ये कार में इंस्टॉल किया है। कस्टमर को हम अपनी कार से प्यार था, बोला तनवीर भाई न्यू के इतने धूम धड़ाके वी लाइन प्रो आप बना रहे हो, आपकी ये भी प्रोजेक्ट फर्स्ट रहेगा जो 2019 को आपने वी लाइन प्रो बनाया। तो प्राउडली आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट करते हैं वी लाइन प्रो इन 2019 मॉडल। दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल ग्रिल रिप्लेस कर दी है हमने 2022 की आप लोगों के सामने, लेकिन जो मेन इसका स्टैंड आउट है वी लाइन प्रो का, मैं हर वक्त जो आप लोगों को बोलता हूँ, द क्रिस्टल DRLs है दोस्तों। क्रिस्टल DRLs, ये कस्टम हेडलाइट्स आती है। इनर प्रोफाइल इसका ब्लैक कलर का आता है, डिफरेंट मोड्स है, डिफरेंट कलर है जो मैं पिछले वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं। लेकिन जो टर्निंग बॉडी किट है इंडोनेशियन, इसकी कुछ बात और है। मैं अर्बन रेड विथ सिल्वर एंड ब्लैक, जो इसके आईब्रो है सिल्वर कलर के जो स्टैंड आउट बढ़ाते हैं, इसकी बात ही कुछ और है दोस्तों। मैं हर वक्त एक ही बात बोलता हूँ और प्राउडली बोलता हूँ, 100 एटिका चले और वी लाइन प्रो पहचानी ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसकी फिटमेंट, इसकी फिनिशिंग, एक एक रबर पैकिंग एक नेक्स्ट लेवल है। हमने इसके जो फोक लाइट्स के ट्रिम्स हैं उसमें भी हमने ब्लैक कलर किया हुआ है दोस्तों। फ्रंट प्रोफाइल आप लोगों के सामने, कोई आफ्टर मार्केट ग्रिल्स वगैरह हमने इंस्टॉल नहीं की है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक स्टैंड आउट बताया है। साइड प्रोफाइल में 16 इंचेस के न्यू ब्रीजा के 2022 के अलॉय व्हील हमने इंस्टॉल किए। जैसे कि मैंने बिफोर के वीडियोस में आप लोगों को बोला था, आफ्टर मार्केट 15 इंच के अलॉय व्हील लगे हुए थे, लेकिन कस्टमर ने बोला वी लाइन प्रो बनाओ, तनवीर भाई डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। डू वॉट एवर का मतलब मैं हर वक्त जेन्युइन चीज़ ही सजेशन देता हूँ। हमने ये कार में 16 इंचेस के जेन्युइन अलॉय व्हील इंस्टॉल किए हैं, स्टैंड आउट आप लोगों के सामने। साइड की स्कर्टिंग अर्बन रेड सिल्वर एंड ब्लैक, वो भी आप लोगों के सामने है। मिरर एंड हैंडल के हमने क्रोम्स वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं किया है, हमने ब्लैक कलर किया हुआ है और टू टोन भी ये कार को मैंने किया नहीं है। अर्बन रेड कलर ब्राइट कलर है और मुझे ब्राइट ही रहने देना था। लेकिन और एक चीज़ आप लोगों को मैं बोलूँगा, जो मेन स्टैंड आउट, जो आन बान चान वी लाइन प्रो की है, रियर प्रोफाइल। अब बताइए दोस्तों, कौन बोलेगा इसे 3 साल पहले का मॉडल है, हो ही नहीं सकता है। स्टनिंग इंडोनेशियन स्पॉइलर हमने ये कार में इंस्टॉल किया है, अर्बन रेड विद सिल्वर एसेंट्स के साथ है। ये एक्सटेंडेड स्पॉइलर्स आता है, प्रॉपर होल मार के लगता है। फिटमेंट फिनिशिंग स्टैंड आउट आप लोगों के सामने है। रियर में हमने इन्फिनिटी टेल लाइट्स भी इंस्टॉल की हुई है रेड कलर में। इसमें इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने, मैट्रिक्स इंडिकेटर आप लोगों के सामने, डिकी का पैनल भी हमने XL6 का इंस्टॉल किया है। आन बान शान रियर की बॉडी किट की जो स्टनिंग इंडोनेशियन की आती है, अर्बन रेड सिल्वर एंड ब्लैक। लेकिन दोस्तों फिटमेंट फिनिशिंग पैकिंग आप लोगों के सामने है, जो स्टैंड आउट 5 सेकेंड सिर्फ रियर प्रोफाइल में आप एडमायर कीजिए, विग ऑटो में किस तरीके से काम होता है आप समझ जाएंगे। वाव फैक्टर बनता है इंटीरियर, और इंटीरियर बाय द विग ऑटो हर वक्त अलग रहता है। इंटीरियर स्टाइलिंग किट टू टोन ब्लैक एंड सेटिन कलर की, चारों डोर की लेदर पैडिंग की हमारी फिनिशिंग एंड फिटमेंट आप चेकआउट कर सकते हैं। सेंटर सीट की, सीट कवर की द सुप्रीमो एडिशन सीट कवर है हमारे आमरेश की फिटिंग, लेकिन पिल्लर CBNA ऑल द 3 pillars टू टोन में लेदर रैपिंग की है, सॉफ्ट टॉप किया हुआ है ब्लैक कलर का। दोस्तों एक रियर लेफ्ट डोर की इंटीरियर स्टाइलिंग किट विद द लेदर पैडिंग एंड सेम कलर की मैट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है पूरी। अब आते हैं फ्रंट में, फ्रंट की इंटीरियर स्टाइलिंग किट की दोस्तों फिटमेंट फिनिशिंग टू टोन हम किस तरीके से करते हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डोर पैडिंग सुप्रीमो एडिशन सीट कवर विद द व्हाइट हाइलाइटिंग के साथ है। स्टेयरिंग अप एंड डाउन, ध्यान से देखना, लेदर रैप किया हुआ है हमने। हर वक्त क्या रहता है, अप एंड डाउन जो रहता है हमारा स्पार्कलिंग या कार्बन रहता है, इसमें हमने वाइस वर्सा किया है। लेकिन दोस्तों अब जो फील आ रहा है ना इसमें चलाने का,
एक कुछ बात ही कुछ और है। हॉर्न पैड की भी आप फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हैं। वॉलड्रॉफ जर्मन लेदर की टू टोन की लेदर रैपिंग हमने की हुई है, स्टिचिंग वर्क देखिए, पिलर भी टू टोन की हमने किए हुए हैं, सनग्लास होल्डर भी हमने ये कार में इंस्टॉल किया है, फिटमेंट फिनिशिंग आप लोगों के सामने है। लेकिन दोस्तों स्टेयरिंग नहीं है, द फील ऑफ द कार है दोस्तों ये चीज़ में। हमने जेन्यून आर्मरेस्ट भी इंस्टॉल किया है, गियर लीवर के लेदर के भी आप रैपिंग वर्क हमारी चेकआउट कर सकते हैं, एंड सेम कलर की मैट्स ब्लैक विद द क्रैनबेरी के साथ हमने इंस्टॉल की हुई है। कस्टमर जब इतना भरोसा लेके आते हैं ना, डू व्हाटएवर, तो डू व्हाटएवर का मतलब है ना उसकी कुछ बात कुछ और रहती है, एक प्रेजेंटेशन अलग रहता है। ये कार आपने बिफोर में देखा किस तरीके से आई थी, 3 साल हो गया, मैं भी जानता हूँ कि क्या हिसाब से है, लेकिन मैंने वीडियो स्टार्ट कैसा वो किया था, अगर आपको न्यू लुक के लिए न्यू कार परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कस्टमर बोलते हैं मुझे मेरी गाड़ी से प्यार है, मेरी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, तनवीर भाई एक फेस लिफ्ट बनाइए और वी लाइन प्रो पुरानी कार में करके दिखाइए, लाइन लग जाएगी आप लोगों के सामने। लेकिन मिस्टर रोहन ठाकुर 2019 अर्बन रेड के ओनर, और हमारी ये फर्स्ट 2019 की वी लाइन प्रो है। वी लाइन प्रो के काफी सारे वीडियोस मेरे पास ऑलरेडी पेंडिंग है जो अपलोड करना बाकी है, लेकिन प्राउडली मजा आ गया सर की कार अपग्रेड करके। बिफोर आप देख चुके हैं, आफ्टर भी आप देख चुके हैं, लेकिन सर का एक रिव्यू बहुत मायने रखता है। बिफोर 3 साल पहले और अभी जिस हिसाब से हमने कार अपग्रेड की है, कैसा रहा सर? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया। जब मैंने आपका वीडियोस देखे पहले भी, तभी खाली तो भरोसा था, इसलिए आपको सिर्फ की दिया और बोला कि डू व्हाट एवर यू वांट एंड यू हैव मैच व्हाट माय एक्सपेक्टेशन मोर देन दैट। थैंक यू सो मच। कैसा लगा मैडम? बहुत अच्छा, यही चीज चाहिए, यही स्माइल चाहिए। लेकिन रोहन सर की कार अपग्रेड की, अभी सीरीज है ना नवी की तो आएगी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, अब जो ओल्ड एटिका की जो सीरीज आएगी, अब वो मैग्मा ग्रे का भी आपको पता है। सर की कार, वो सर आए थे मिस्टर रघु सर हमारे पास, बोले कि 3 साल हो गए हैं कार को, तभी भाई कुछ सीट कवर्स वगैरह अपग्रेड कर दीजिए। तो मैंने उनको बोला एक 2019 की मैंने अपग्रेड की हुई है कार, एक आप एक नजर मार लीजिए, देखी, चाबी दी, बोला सेम टू सेम मुझे करके, तो एक से एक अभी वीडियो हर कलर के आपको 2019 के आएंगे। थैंक यू बोलूंगा दोस्तों, जो कस्टमर भी इतना सपोर्ट देते हैं, इतना पॉजिटिविटी देते हैं, आप लोगों के सामने है ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये फेसलिफ्ट किस तरीके से लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।